बरनाला दे यूनिवर्सिटी कॉलेज दे विच जिहड़ा यूथ फैसटिवल का आखिरली दिन आ ते वख वख कॉलेजां वल्लों जिहड़ियां इहदे विच पार्टिसिपेट किया गया ते एसडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बरनाला दे प्रिंसीपल डॉक्टर तपन कुमार साहू जी और प्रोफेसर बलविंदर बिट्टू जी साडे नाल मौजूद ने। जिहड़ी इहनां दी टीम आ जी बहुत सारियां अचीवमेंट्स पिछले 3 दिन तो कर रहे ने उहनां दे नाल असीं गल्लबात करदे आ। सर सबसे पहले तो मेरे को ये बताएं कि अब तक 3 दिन में जितने ही पार्टिसिपेट आपके थे कितनी अचीवमेंट आ चुकी है? पहली बात तो जो है मैं जैसे कि JVS टाइम्स के दर्शकों को पहले नमस्कार कहता हूँ जी। और मैं प्रिंसिपल डॉक्टर तपन कुमार साहू, बलविंदर कुमार बिट्टू जी शर्मा जी अपना SD कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आए हुए हैं और हमारे सारे स्टाफ यहाँ पे आए हुए हैं। लास्ट 3 दिन से बहुत ज़ोर शोर से जो है पंजाबी यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल्स चल रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोफेसर गगनदीप थापा एंड वाइस चांसलर प्रोफेसर अरविंद उनके देख रेख में। और बहुत अच्छी तरह से मैं ना पहले एक्सपेक्टेशन सही में बताऊं तो इतना नहीं किया था यूनिवर्सिटी कॉलेज बरनाला, मैं देखा भी नहीं था यहाँ पे। मैं जब मेरा घर जो है यहाँ से पास ही है जी, बट इसी बहाने सारे कॉलेज के बच्चों ने यहाँ पे आए और इतना बड़ा अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है, अच्छा मेंटेन्ड है, प्रिंसिपल सब बड़े अच्छे हैं, स्टाफ मेंबर्स भी बड़े कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मैं देख रहा हूँ जी। जहाँ तक अवार्ड्स की बात है मैं आपको बता दूँ कि हमारा SD कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है लास्ट 3 दिन से पार्टिसिपेट कर रहा है और हमारा टोटल हमें जो टाइम मिला था हम लोग 13 तारीख को कॉलेज ओपन हुआ था, नया एडमिशन से बच्चे आ गए थे और 3 तारीख को यूथ फेस्टिवल हो गया था, तो टोटल 19 दिन का हमें टाइम मिला था। 19 दिन में हमने सारे संडे, सारे सेकंड सैटरडे, सारे गैजेटेड हॉलीडे, सारे रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे सारे कैंसिल कर दिए थे, पूरा 19 दिन हम लोग प्रैक्टिस किए थे। 19 दिन में अभी तक जो है हमारा 17 प्राइजेस आ चुके हैं और 2 प्राइजेस हम लोग आज जो 3 आइटम्स हैं आज 3 अगर आ जाते हैं तो अगर 20 हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि राउंड फिगर अगर हो जाए तो मोर देन सफिशियंट है अभी एक BEd कॉलेज के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हमें छोड़ के और एकाध शायद BEd कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है, तो हमारा मोर देन सफिशियंट एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंसेस है। आज देखो क्या होता है, बाकी जो है जो जजेस हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है कॉलेज का भी और यूनिवर्सिटी का भी, बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, सारा चीज़ें स्मूथली चल रहा है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, जो पर्टिकुलरली जो यूनिवर्सिटी कॉलेज बरनाला के प्रिंसिपल और उनके टीम्स को, उन्होंने अच्छी तरह से बड़े अच्छे से इन्होंने इसको मतलब 4 दिन कंप्लीट किया और आज तो फाइनल डे है। आज जो यूथ वेलफेयर मिनिस्टर्स जो हैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मीथियर जी आ रहे हैं, तो चलो होप फॉर द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल टीम। सर 19 दिन की बात करूं तो दिन रात एक कर रहे हो क्या? हाँ 19 दिन में मतलब यही बात है, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमने कोई भी छुट्टी नहीं की है, कोई भी एक सिंगल छुट्टी, क्योंकि गुंजाइश नहीं था छुट्टी अगर कर। अच्छा दूसरी बात, 19 दिन ऐसा नहीं कि छुट्टी था, वो 19 दिन में क्लासेस भी लग रहे हैं ना, मेन चीज़ तो ये कि क्लासेस लगने के बाद फिर आपको थोड़ा सा जो टाइमिंग मिलता है उसमें प्रैक्टिस करना है। तो BEd कॉलेजेस के लिए मैंने पहले भी लास्ट ईयर भी VC साहब को भी लेटर लिखा था, जैसे कि भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जैसे कि BEd कॉलेजेस का सेपरेट होता है, क्योंकि BEd कॉलेजेस का एक सेशन तो हमारा टीचिंग प्रैक्टिस में है ऑलरेडी और एक सेशन का एडमिशन जो है 13 सितंबर को कॉलेज ओपन हुआ है, अक्टूबर 3 तारीख से इनका यूथ फेस्टिवल है, तो इतना कम टाइम्स में हम लोग एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस, फिर हमारे स्टूडेंट भी 100 हैं, तो 100 स्टूडेंट्स को लेके 19 दिन में मतलब एक तरह से मान के चलो कि भी जो है जो डिग्री कॉलेजेस हैं जहाँ पे हज़ारों बच्चे हैं उनके साथ प्रैक्टिस करना, हमारा तो ऐसा है कि भी एक एक बच्चा 3-3, 4-4 आइटम्स में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे भी क्लैश हो रहा है टाइमिंग का कि एक जगह पे उनका चल रहा है, दूसरी जगह पे वहाँ पे दूसरे आइटम शुरू हो रहा है, तो वो भी इधर कंप्लेंट्स हो रहे हैं दूसरे कॉलेजेस से। तो मैं BC साहब पर्टिकुलरली प्रोफेसर अरविंद जी से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से, JVS टाइम के माध्यम से, कि अगले साल जब करें यूथ फेस्टिवल तो BEd कॉलेजेस का काइंडली सेपरेट करके करने की कोशिश किया जाए। क्यों? क्योंकि जब दो पंजाब में ही दो यूनिवर्सिटी, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी, दोनों का BEd कॉलेज और डिग्री कॉलेजेस का सेपरेट यूथ फेस्टिवल होता है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जी? ये भी तो जो नेशनल और जोनल इंटर जोनल वो भी तो करते हैं, तो ये भी तो अलग से किया जा सकता है। अगर BEd कॉलेजेस का अलग से हो तो हमारा जैसे कि भी जोन में सिर्फ 2 कॉलेज पार्टिसिपेट कर पाए हैं, 2 या 3 कॉलेज, तो मैक्सिमम कॉलेजेस को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली 100 BEd कॉलेजेस हैं, मोर देन 11,000 या 12,000 स्टूडेंट्स हैं, अगर सारे बच्चों कंपलसरी है सारे कॉलेजेस को रजिस्ट्रेशन करवाना, तो अगर सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो एटलीस्ट ना टैलेंट्स तो उभर के आएगा ना साथ में। बिल्कुल, BEd कॉलेजेस के बच्चे आपको जैसे पता है कि भी मैच्योर बच्चे होते हैं, BA के बाद आते हैं, तो वो बच्चे अपना टैलेंट्स को शोकेस करने के लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म है यूथ फेस्टिवल, तो क्यों ना सारे बच्चों को एक मौका मिले और BEd कॉलेजेस के लिए सेपरेट यूथ फेस्टिवल हो, डिग्री कॉलेजेस का सेपरेट यूथ फेस्टिवल हो, लेट द बेस्ट टैलेंट कम्स फॉरवर्ड।
एस डी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बरनाला की गल करा तो बलविंदर बिट्टू जी ने अच्छ सारी जानते हैं हर कार्ज के कह लिए अपना 100% देंगे ने खेडों के मुख्य तौर पर। सो गलबात करते हैं सर, ते स्टूडेंट सर ने दसा कि 19 दिन तो दिन रात एक कर रहे हैं, बहुत सारिया अचीवमेंट ही ने, ते पर एक गल इन्होंने टी पी डी कॉलेज भी सर लास्ट ईयर भी तुम्हें कही कि इन्हों का सैपरेट होना चाहिए, तुम्हें किन्ना सही लगता इस चीज़? बिल्कुल जी, देखो जे बी एड कॉलेज़ ने अद्धे तो मतलब कि मैनू लगता भी पंजाबी यूनिवर्सिटी के 100 के तकरीबन जोड़े कॉलेज आ बी एड कॉलेज ने गे, तो पर जोड़े पार्टीसपेट करते हैं मैं लगता पूरे 100 कॉलेजों के 5-4 कॉलेज करते नहीं गे। तुम इतने भी देखा होना भी सिर्फ 2 कॉलेज ने जोड़े वो पार्टीसपेट कर रहे हैं बी एड कॉलेज जोड़े वध चढ़ के पार्टीसपेट कर रहे हैं। जे मतलब कि उन्होंने मन च यही डर आ भी साढ़े को विद्यार्थियों की गिनती 100 आ, साढ़े को 200 आ, दूजे कॉलेजों को हज़ार की गिनती विद्यार्थी ने, भी असी एक एडमिशन का जोड़ा समा हों वो साढ़े तुम देखिए भी 10 तरीक न हजे एडमिशन खत्म हुई हैगी, 13 तरीक न असी क्लासेस शुरू करती हैं, 3 तरीक का यूथ फैसटिवल हैगा, 19 दिन साढ़े कोल ने, 19 दिनों के जिमें कि साढ़े प्रिंसीपल डॉक्टर तपन कुमार साहू जी ने दसिया साढ़े सारे जिन्हें भी टीचर्स ने खास करके साढ़े जिहड़े फैसटिवल दे यूथ फैसटिवल दे इंचार्ज ने डॉक्टर, इवन कुछ बच्चों का जैसे कि सेल डाउन हो गया, बीमार हो गए, उनको लास्ट मोमेंट में रिप्लेस करना पड़ा यूनिवर्सिटी वालों से बोल के उनकी जगह पे दूसरा बच्चे, जिनको कि एक एक दिन दो दो दिन भी बच्चे मिला, सेल डाउन हो गया, वो बच्चे एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में, उन बच्चों को कैसे करें, किसी का घर में डेथ हो गया, वो वहाँ पर इस तरह के सिचुएशंस भी आए हैं, मतलब बड़ा डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए। जिमें कि साढ़े डॉक्टर सीमा शर्मा जी ने साढ़े फैसटिवल दे यूथ फैसटिवल दे इंचार्ज प्रोफेसर रजनी जी ने जिहड़े इंचार्ज ने एक दिन सानू मतलब कि परसों सानू यूथ फैसटिवल तो एक दिन पहला सानू प्रॉब्लम आ रही है, वाद विवाद दे विच साडी एक कुड़ी दे सैल घट गए जी, सैल घटने तो बाद वो कुड़ी एडमिट हो गई, असी उहदी जगह ते एक कुड़ी नू मतलब कि 2 दिन इन्नी कु तैयारी कराई, रात तक भी जिहड़े साडे इंचार्ज साहिबान सीगे उन्होंने जिहड़ी तैयारी आ उह करवाई, इन्नी तैयारी करवाई भी उह वाद विवाद दे विचों कल उन्होंने सैकंड पोजीशन आ जिहड़ी उह हासिल कीती हैगी। बहुत वड्डी गल है जी। जी जी। सो दर्शकों, इस सन बी एड डिपार्टमेंट तो डॉक्टर तपन कुमार साहू जी, प्रोफेसर बलविंदर बिट्टू जी, और वड्डी गल इन्होंने यह की है कि पिछले 19 दिन तो दिन रात एक कर रहे हैं और बहुत सारिया जिहड़ियां प्रॉब्लम भी बच्चियां नूं आउंदियां, तां वाद विवाद दे विच इन्हां दा एक विद्यार्थी जिहड़े कि सैल कटण दे नाल जिहड़ा है लैफ्ट करना पिया, ते नाल दी नाल ही उन्होंने एक होर बच्चा तैयार कर लिया और वड्डी प्राप्ति है कि वह बच्चा सैकंड पोजिशन हासिल कर चुकिया। तो वीसी साहब नूं इन्हां ने एक मैसेज टी पी डी कॉलेज 2022 की गल करा तो उत्थे भी डॉक्टर तपन कुमार साहब वहीं पे भी आपने बात करी थी, तो हम लेटर भी बाय राइटिंग भी दिया हुआ है जी वीसी साहब को, वीसी साहब ने मार्क किया हुआ है यहाँ पे अपना यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट को, थापा साहब को मैंने स्पेशली लास्ट टाइम मीटिंग में भी बोला था, इस बार भी मैंने स्पेशली बोल रहा हूँ, ये मुझे ये सारे के सारे ये बोलते हैं कि हमें इंटरजोनल के लिए टाइम नहीं मिलेगा, बट लेकिन ये लोग टाइमिंग इस तरह से एडजस्ट करें बीएड का थोड़ा सा उसी हिसाब से, क्योंकि दूसरे 2 यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी तो है ही है ना, एग्जिस्ट करता ही है GNDU और पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वाई नॉट पंजाबी यूनिवर्सिटी, उससे मतलब ये कहने का मतलब है कि बहुत सारे टैलेंट्स जो कि वो अनदेखा अनटच्ड होकर वो लेफ्ट आउट हो रहे हैं वो फ्रंट में आ पाएंगे। बी एड कॉलेजेस इतना मतलब मान के चलो कि 11,000-12,000 बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बी एड के बच्चे हैं, 12,000 बच्चों में से सोच लो कि भी 4% या 5% बच्चे भी अगर आगे आते हैं तो कितना एक बड़ा सा टैलेंट पूल यहाँ पे जनरेट हो सकता है ना। सो दर्शकों, लेटर भी इन्होंने लिखा और जे मैं युवक युवक भलाई विभाग के जिहड़े इंचार्ज ने गगनदीप थापा जी उन्होंने भी इन्होंने ध्यान में यह चीज़ तो देखना होगा कि अगला जो यूथ फैसटिवल होगा बी एड डिपार्टमेंट लिए शायद जो सैपरेट तरीके किया जाएगा, तो होर भी इतने बहुत सारिया शख्सियत करेंगे JVS टाइम्स को भी और आप भी रिक्वेस्ट करो VC साहब को कि भी पंजाबी यूनिवर्सिटी के जो यूथ फेस्टिवल्स हैं BA जो दूसरे कॉलेजेस और BEd कॉलेजेस का सेपरेट किया जाए उसी तौर पे GNDU और पंजाब यूनिवर्सिटी के तौर पे, हम लोग अलग से डिमांड नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे अलग से मतलब करो उनके पास, देखो 19 दिन में पॉसिबल ही नहीं है इतना लेवल पे पार्टिसिपेट करके, हमारे तो म्यूजिकल आइटम्स में हो ही नहीं पता, गिद्दा भांगड़ा ये नाटक और सारे चीज़ें इतना करना कौन सा इधर मतलब ईजी बात है ना, फिर तो इसीलिए अगर थोड़ा सा टाइम बच्चों को मिलेगा और इन मतलब BEd वालों का अलग से होगा तो बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और बहुत अच्छा सा एक टैलेंट मतलब जो है एक पूल जो इमर्ज होगा है ना पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए है ना जी। सो इंचार्ज जिहड़े युवक भलाई सेवावां दे विभाग के जिहड़े इंचार्ज ने गगन थापा जी, तुसीं ये चीज़ जरूर नोट करियो जी, क्योंकि सर ने भी कहा कि जिहड़ा नैक्सट टाइम होवे सैपरेट होना चाहिए, सो बने रहो JVS टाइम दे नाल।